Hello students, this is Mr. Akash Sharma and welcome to Ravansh Government School. Students, this is your computer period. Computer ke period mein computer subject mein humne chapter first complete kar liya tha, chapter second ka explanation bhi ho gaya tha. Usko aapko PDF mein se continue karna hai. PDF aapko send kar diye. To PDF mein se kaise continue karna hai? Jo exercise hai, last jo chapter ki bhi exercise humne nahi kari thi, usko copy mein nahi karna hai. Kai bachche kar lete hain. तो ना करें, कॉपी में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. आपको पीडीएफ में से ओनली क्वेश्चन आंसर्स को ही नोट डाउन करना है. बाकी आपको जो एक्सरसाइज वगैरह है वो बुक में ही फिल कर लेना है, क्योंकि बुक में से इजीली आप प्लेस तो होता ही है कि ये मतलब बुक में इजीली बहुत सारा प्लेस है, आप यहीं पे फिल कर सकते हैं. कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें. प्रॉपर प्लेस है तो फिर क्यों हम इसमें कॉपी में करें. कॉपी में ओनली हमको जो दिया है क्वेश्चन आंसर्स उनको ही करना है, ठीक है. नेक्स्ट हम चैप्टर 3 देखते हैं. चैप्टर 3 हमारा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में यहाँ पे हमको बता रहे हैं, ठीक है. आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम जब हम यूज करते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है. दोनों ही चीजों से सिस्टम अपना वर्क करता है. तो ऐसे ही डिवाइस भी टू टाइप्स के होते हैं, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस. तो लास्ट चैप्टर में हमने यही देखा था आउटपुट इनपुट डिवाइस के बारे में, उसके थ्रू वर्क करता है. अब दूसरा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर जो है, सपोज दैट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर किस टाइप से वर्क करेगा? दो चीजों से वर्क करेगा, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या होंगी? डिवाइसेज होंगी इसकी, और यहाँ पे उसके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों से ही कंप्यूटर वर्क करता है. डिवाइसेस का मतलब है इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, ठीक है. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर वर्क करता है, और दूसरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों भी कंप्यूटर के पूरे की पूरी तरीके से चलाने वाले सिस्टम कहलाते हैं. तो लास्ट चैप्टर ये चैप्टर हमने 2 में इनके बारे में पढ़ लिया था. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमको पढ़ना है. तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से ये सॉफ्टवेयर के लिए चैप्टर है स्पेशल, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वी ऑल यूज कंप्यूटर इन अवर डेली लाइफ टू परफॉर्म वेरियस टास्क. इन ऑर्डर टू परफॉर्म टास्क, दीज टास्क इफेक्टिवली एफिशिएंटली, वी नीड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन अ मेथड दैट इट कैन अंडरस्टैंड. दिस मेथड इज नथिंग बट सेट इन इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फ्रॉम द प्रोग्राम. दिस सेट इज इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर यानी कि हम जो भी वर्क कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो कंप्यूटर का एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. सपोज दैट मैंने माउस को क्लिक किया किसी भी ऐप पे, किसी भी एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया, तो वो क्लिक डायरेक्ट इस एप्लीकेशन पे नहीं हो सकता है. वो क्लिक कहाँ जाता है? मैंने जब क्लिक किया तो वो क्लिक जाता है कंप्यूटर की मेमोरी के पास में. जैसे कि मुझे अपना हाथ हिलाना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सोचना है, कहाँ चलना है, कहाँ देखना है, ये जो भी एक्टिविटी शरीर में होती है इसको कौन करवाता है? माइंड करवाता है. पहले सारी एक्टिविटीज माइंड के पास पहुंचती हैं, फिर बाद में वो अंग माइंड उस बॉडी पार्ट को ऑर्डर देता है कि आप ऐसे रिएक्ट करो, तब फिर बॉडी पार्ट काम करते हैं. समझ में आया? तो कितना फास्ट वर्क होता है, इससे भी फास्ट वर्क कंप्यूटर करता है. कंप्यूटर में भी जो हम क्लिक करते हैं या जो भी कोई एप्लीकेशन पे ओके कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, तो वो सब कुछ पहले कहाँ जाता है? कंप्यूटर के माइंड के पास में. कंप्यूटर के जिस पार्ट से वो रिलेटेड एप्लीकेशन है उस पार्ट के पास में वो जाती है, वहाँ से फिर ऑर्डर आता है कि क्लिक करना है, तो वो क्लिक करता है, क्योंकि कंप्यूटर नहीं समझ सकता डायरेक्ट. अब आप कंप्यूटर का माइंड कैसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है सीपीयू को. अब सपोज दैट आप सीपीयू को हटा दें, ठीक है, अब आप कंप्यूटर पे वर्क करेंगे तो क्लिक करो चाहे कुछ भी करो कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका माइंड ही हटा दिया. अब आप सोचेंगे सीपीयू की जरूरत ही नहीं है, हमको स्टोर थोड़ी ना करना है, हमको चार्ज थोड़ी ना करना है, हम तो जनरली क्लिक ही कर रहे हैं, कोई ओपन और ऑन नहीं कर रहे हैं, ऑफ ही कर रहे हैं, उसको खोल के ही तो देख रहे हैं. इतना भी कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो माइंड है वो ही नहीं रहा, उसी के जरिए वो काम कर पाता है.
अगर हम कोई क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट उस एप्लीकेशन पे क्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि हमें करना क्या है। वो एप्लीकेशन तभी समझेगा जबकि उसे ऑर्डर मिलेगा किससे, सीपीयू से। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी एक्टिविटी पहले सीपीयू के पास में जाती है, कंप्यूटर के उस रिलेटेड पार्ट्स के पास में जाकर के फिर उन पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है। तो वो जो समझने वाली चीज़ें हैं, उन तक पहुंचाने वाली, उनको ऑर्डर देने वाली, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर्स कहलाती हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कंपाउंड्स को कंट्रोल करता है, यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा मैनेजमेंट का जो वर्क करती है उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में यहाँ पे बहुत सारे इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा काम हो गया पूरे कंप्यूटर को मैनेज करना, मैनेजमेंट का काम, तो अकेले वो नहीं कर सकता, तो फोर पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। BIOS, Assembler, Compiler और Interpreter और Operating System, तो ये फाइव टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, BIOS यानी बेसिक इनपुट या फिर आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑब्लिक आउटपुट सिस्टम, ये क्या करते हैं, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द BIOS स्टार्ट दैट कंप्यूटर सिस्टम एंड मैनेज द डाटा फ्लो बिटवीन द OS एंड अदर डिवाइस अटैच्ड टू इट लाइक कीबोर्ड माउस प्रिंटर etc। BIOS क्या काम करता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तुरंत एक्टिव हो जाता है, और जो भी कीबोर्ड माउस प्रिंटर इन सब से जो भी रिलेटेड इनसे जो भी वर्क आ रहा है उसको तुरंत वो करता है। असेंबलर क्या काम करता है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट टेक्स बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट देम इनटू अ पैटर्न ऑफ बिट। ये क्या काम करता है, जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको डायरेक्टली तो कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग, जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो उनको अपनी लैंग्वेज में यानी बिट लैंग्वेज में वो करता है, कन्वर्ट करके फिर उसको वर्क करवाता है। कंप्लीटर, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्सेस कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, क्योंकि जो सोर्सेस कोड है, जो भी कोड आ रहे हैं कंप्यूटर से, जैसे सपोज दैट हम कोई नंबर टाइप कर रहे हैं 1 3 5 9, ये नंबर हमने कीबोर्ड में टाइप किए, लेकिन ये कीबोर्ड में 1 3 5 9 हमारे यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, किसी अदर लैंग्वेज में इस टाइप से नहीं लिखा जाता। लाइक हिंदी में ही आप देख लीजिए, अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे, 1 को ऐसे लिखते हैं और 3 को शायद ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, तो अलग ही लैंग्वेज है ना। अब देखो 1 और 1, ये दोनों 1 है, ये 3 है, दोनों ही 3 है, लेकिन कितना अलग डिफरेंस है दोनों, तो क्या है 5 है तो कितना डिफरेंस है, तो क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नंबर, हमने तो 3 1 प्रेस कर दिया, 3 प्रेस कर दिया, टाइपिंग कर रहे हैं तो 1 प्रेस कर दिया, लेकिन सिस्टम में 1 का मतलब 1 थोड़ी होगा। अब सिस्टम कैसे समझेगा कि इनको 1 चाहिए, टाइपिंग करते हुए इनको 1 चाहिए, तो अपनी एक बेसिक लैंग्वेज उन्होंने बना रखी है, सिस्टम में ही रहती है वो लैंग्वेज, तो उसको हमारी लैंग्वेज का जो है उसका एक कन्वर्टर होता है। जैसे कि 1 2 लोग हैं, एक इंडियन है, एक चाइनीज है, दोनों के बीच में कोई बिजनेस डील होनी है, लेकिन इंडियन वाले को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, चाइनीज वाले को इंडियन लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर कैसे उनका कन्वर्सेशन हो। तो एक बीच का जो आदमी होता है, तो जिसको चाइनीज भी आती है, जिसको इंडियन लैंग्वेज भी आती है, तो वो क्या करेगा, चाइनीज वाले की बात सुन करके एज इट इज उस बात को इंडियन वाले को समझाएगा, जो इंडियन वाला वो उसकी बात को सुन करके एज इट इज उस बात को बिना कोई चेंज किए चाइनीज वाले को समझाएगा, यही कर सकता है। तो वो जो बीच वाला है वो कितना इंपॉर्टेंट है, बस वही काम यहाँ पे करना पड़ता है कि हमारी जो लैंग्वेज हमारे इंस्ट्रक्शन से वो कंप्यूटर को नहीं समझ आएंगे, क्योंकि उसकी लैंग्वेज उसकी जो चीज़ें हैं वो अलग है और कंप्यूटर के जो है वो हमें समझ नहीं आएंगे। तो जो सॉफ्टवेयर है, कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये यही काम करेगा कि आपको जो सोर्सेस कोड है, यानी कि जिन सोर्सेस से कोड आ रहे हैं उनको क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, और फिर जो ऑब्जेक्ट कोड्स रहते हैं उनको सोर्सेस कोड्स में चेंज करेगा बाद में। ठीक है, इंटरप्रेटर, एज इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एक्सेक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट विल
India immediately generated an intermediate code and then convert the higher level. इनको languages की problem होती है, इसलिए फिर वो क्या करता है, higher language में इसको convert करता है. Next हम देखेंगे compiler and interpreter में differences हैं ये. इसके बाद में फिर और भी है chapter में बहुत कुछ है, अभी तो chapter start ही हुआ है. तो इसको फिर आगे next videos में हम complete करेंगे. बहुत अच्छा chapter है और बहुत ही short है, कोई ज़्यादा वो नहीं है. और सबसे इजी बात सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चैप्टर है, तो कंप्यूटर्स में हम सॉफ्टवेयर का यूज़ तो करते ही रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनकी यूज प्रॉपरली होते रहते हैं, तो आपको इजीली समझ में आए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ.